हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम 27 मार्च के शिफ्ट वन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन हम अभी तक मिले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डीपली एनालिसिस करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, टेलीग्राम का आपको यहाँ पास चैनल का नाम दिया हुआ, और अगर लिंक भी चाहिए तो हम इस टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जैसे कि हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आज आया था कि पर्यावरण दिवस। देखिए, दिवस से एक क्वेश्चन बनता है हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में एक आ जाता है कि किस दिवस को क्या मनाया गया था। तो ये पर्यावरण दिवस का क्वेश्चन पूछा था, तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दो चार और दिवस आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताया दे रहा हूँ, जैसे 21 जून को, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विश्व योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यही बात आप लिख सकते हैं 11 जुलाई। देखो, 11 जुलाई भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। यही अगर बात करें 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस। ठीक है, ये मनाया जाए 8 सितंबर को। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को आप देख लीजिए क्या मनाया जाता है, ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। एक और लिख लीजिए आप, 22, ठीक है, अप्रैल हो गया। 22 मई को क्या मनाया जाता है, 22 मई भी लिख सकते हैं, 22 मई भी काफी इंपॉर्टेंट है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में आने के चांस हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी। तो देखिए, हम गांधी इरा से भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो इनकी जो जेल हुई थी 1922 में हुई थी, 1922 में, इनकी 10 मार्च 1922 को इनको जेल हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी, ये साबरमती आश्रम था अहमदाबाद, साबरमती आश्रम जो इनका था वहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था, आश्रम अहमदाबाद से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, गांधी के, जब गांधी इरा से क्वेश्चन आए, तो इनको 5-6 पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके कुछ सत्याग्रह हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1917 से हम शुरू करेंगे, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह शुरू किया गया तो 1917 में। 1918 की अगर बात करें तो यहाँ खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह। 1919 की बात करेंगे तो ये खिला 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये कुछ पॉइंट्स आप जरूर याद करके लिखिएगा। 1920 की बात करेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन हुआ तो 1920 में। 1930 में लिख सकते हैं, 1930 में था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और एक और आप लिख लीजिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इतने पॉइंट्स आप इनको जरूर अपने याद करके रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुब्रीही समास से। देखिए, समास से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है हिंदी में, तो समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीही समास में आपको पता है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, इसमें क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पास लिख लीजिए, चलिए दो चार और लिख लीजिए। अव्ययी भाव समास की बात करेंगे, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होगा। और तीन लिखिए, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ, तत्पुरुष हुआ, कर्मधारय समास हुआ, और द्विगु समास, द्विगु समास। इन तीनों में
उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है इन तीनों में। द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए नेक्स्ट में चलेंगे, मगध साम्राज्य की स्थापना यानी संस्थापक कौन माना, किसको माना जाता है, तो बिंबुसार को यहाँ पर लिखिए बिंबु सार को, बिंबुसार को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, ये सौंदर्य की रानी सतपुड़ा कौन सी है, देखिए इसका भी क्लियर क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या है, तो आप इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। देखिए सतपुड़ा के बारे में आप लिखिए है कहाँ, देखिए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अगर देखिए किस जिले में, अगर पूछा हुआ किस जिले में है, ये होशंगाबाद जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, यही आपका पचमढ़ी भी है, पचमढ़ी भी है। अगर सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी की पूछता है, ये है धूपगढ़ की पहाड़ी है, धूपगढ़ की पहाड़ी। आप इतने पॉइंट को नोट करके रखिएगा, अब जो भी क्वेश्चन आया हो इस चीज से आपको समझ में आएगा। देखो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की खोज किसने की, तो हाइड्रोमीटर की जो खोज की थी वो किया, तो देखिए ये थे कहाँ के, एलेक्जेंड्रिया के हाइपेटिया, हाइपेटिया ने की थी, हाइपेटिया ने की थी हाइड्रोमीटर की खोज की थी। देखिए टाइगर टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन पूछा था कि अब, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए अगर मध्य प्रदेश से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पहला कौन सा जो रिजर्व है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है, रिजर्व मतलब नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था, तो ये कान्हा किसली, ये कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ शामिल किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर चालू कब हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तंत्रिका तंत्र में कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती, तो यह है न्यूरॉन, न्यूरॉन हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, आईएफसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा इंटर नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये बनाया गया था 20 जुलाई, 20 जुलाई 1956 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखिए वाशिंगटन डीसी में एक दो और हेडक्वार्टर्स है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से और हैं जिनका वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर। देखिए आईएमएफ, और देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इन दोनों को बनाया गया था 1945 में। ठीक है, 1945 में दोनों को बनाया गया था, और दोनों का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, वापस लिख लीजिए से। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इन दोनों को, अगर एक चीज और याद कर लीजिए, नाटो, देखिए नाटो इस समय बहुत ही ज्यादा एक दो साल से सुर्खियों में है, तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे, मुख्यालय की बात करेंगे, तो ये कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये हो गया। अगर आईएलओ की बात करेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका संघ कहाँ कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1919 में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, देखिए किलोबाइट से यानी कि कंप्यूटर क्वेश्चन है, इससे संबंधित किस क्वेश्चन आया हुआ था, तो बाइट जो किलोबाइट होते हैं, ये जो होते हैं इनका यूज क्या करते हैं, डेटा को मापने के लिए, डेटा डेटा को मापने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं, मापने के लिए, डेटा को मापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें 1 किलोबाइट बराबर, 1 किलो बाइट बराबर कितने बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1 किलोबाइट मतलब केबी। ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो सर्वनाम कितने होते हैं आपको पता होगा, ये छह सर्वनाम होते हैं, छह सर्वनाम होते हैं, इनकी संख्या छह होती है। कैसे याद करेंगे, देखिए जिस प्रकार बता रहा हूं वैसे अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे PNS, ठीक है, PNA PNS, यानी कि ये दोनों शुरू में सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे और फिर ये लास्ट वाला ए और ये एस हो जाएगा। अब देखिए पी से कौन सा सर्वनाम आएगा, पी से आज आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। एन से क्या होगा, एन से आपका होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक हुआ। ए से क्या होगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है, इधर सर्वनाम है इधर भी सर्वनाम। अब पी अगला पी से क्या होगा, देखो पहले पी से पुरुष हो गया था, नेक्स्ट पी से जो हो जाएगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देन आपका एन आ गया, एन का मतलब हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक। देखिए ये दोनों एन और एक साथ इसलिए कर रहा हूं कि एक से निश्चय आ रहा था, एक से अनिश्चय आ रहा था, एन से निश्चय होगा, ए से अनिश्चय, इसलिए इन दोनों को एक साथ है, ठीक है। एस से जो होगा वो संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन होते हैं भेद, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम, दूसरा मध्यम पुरुष। अच्छा लिख ही लीजिए, देखिए टाइम तो लग रहा, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जो बोल रहा है, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ तो इस संदर्भ में उत्तम पुरुष मैं हूँ, और मध्यम पुरुष आप लोग सुन रहे हैं तो आप उस संदर्भ में मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो हो जाएगा अन्य पुरुष, यानी कि जो बोलता है, यहाँ पास लिख लिए, बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष में आता है, सुनने वाला होता है, सुनने वाला होता है वो मध्यम में आता है, अन्य में कौन आएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप दो फ्रेंड मिले, आप अपने अपने फ्रेंड से कुछ कह रहे हैं, तो उस समय आप उत्तम पुरुष होंगे, आपका फ्रेंड जो है वो मध्यम होगा, आप जिसके बारे में बता रहे होंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष। देखिए निजवाचक सर्वनाम को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, निजवा पहचानने के लिए आया होगा क्वेश्चन में कि निजवाचक, निजवाचक के लिए यह या वह, देखिए यह वह ये वो ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वहां पास आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय की बात समझ में आ रहा है कि कुछ कोई ऐसे शब्द होंगे तो वहां अनिश्चय होगा, कोई इसकी फिक्स नहीं है। प्रश्न के लिए तो पता ही है प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, जैसे कौन है, कौन है, ये ऐसे शब्द प्रश्नवाचक में आ जाते हैं। निज यानी कि स्वयं के लिए, स्वयं को क्या हो जाए, आप शब्द, ऐसे शब्द आ रहे हैं आपके, ऐसे शब्द आएंगे तो आपका निज, और संबंध के लिए क्या होगा, जो और सो जाए, ऐसे शब्द आ जाए, दो लोगों से संबंध स्थापित कर रहा है, जो सो तो वो संबंध में आ जाएंगे। देखिए अव्यय भाव समास से एक क्वेश्चन आया था, अव्यय भाव समास से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अव्यय भाव समास के लिए देखो पहचानने के क्या तरीके हैं, देखिए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, हमेशा याद रखिए कि पूर्व का पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, ठीक है। और पहचान इसकी कैसे करते हैं हम, शुरू में जो होगा पूर्व में क्या होगा, अनु हो सकता है, आ हो सकता है, प्रति हो सकता है, भर हो सकता है, यथा हो सकता है, यावत हो सकता है और हर हो सकता है। ऐसे शब्द अगर आपको शुरू में मिल रहे हैं तो वहां बस आपका व्यभाव समास होता है। एक और इसमें चीज और लिख लीजिए, यदि दोनों चीज समान दिख रहे, जैसे रातों रात, जैसे रातों रात, रातों रात आपका हो जाएगा व्यभाव समास, दिनों दिन, दिनों दिन, ये भी हो जाएगा आपका अव्यय भाव। एक चीज और यहाँ पास ध्यान रखिएगा, जैसे रात और दिन, रात दिन हो गया ना, रात और दिन, तो यहाँ पास आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पास द्विगुणी होगा, सेम अगर रिपीट हो रहे तो वहां पास आपका अव्यय भाव समास होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर श्रृंखला। देखिए कैमूर श्रृंखला से इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप जीके की वीडियो देखे होंगे मेरे, जहां पास मैंने इसका देखिए भौतिक विभाजन मध्य प्रदेश का बताया था, हालांकि चार पांच वीडियो बताया, अगर जिसने भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान था, तुरंत ही बता देता कि कहाँ से शुरू हो रही कैमूर की श्रेणी, ठीक है। अगर आपको वीडियो देख तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर आप जाके
आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जीके जीके ट्रिक नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा मैप के सहारे से पूरा एक आपको मध्य प्रदेश के मैप से कहाँ पास कौन सी श्रेणियां हैं, सारी श्रेणियां कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही हैं, उन सारी चीजों को पूरा प्रेजेंट किया है। तो वहां आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना, छोटा ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपको 30 से 35 मिनट की वीडियो है, बढ़ा के देखेंगे 2 की स्पीड में तो 15 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर श्रेणियों से क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं तो अगले में भी कहीं और से जरूर आ सकता है। देखिए, कैमोर श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? ये होती है जबलपुर से, जबलपुर से, ठीक है। अगर इसकी बात करें किन किन राज्यों में फैली हुई है, ये मध्य प्रदेश और बिहार में फैली हुई है, मध्य प्रदेश और बिहार में फैली हुई है। अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, कैमोर श्रृंखला जो है इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 483 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने जो अपना नियम दिया था तो उस समय कितने तत्व थे? तो उस समय थे 56 एलिमेंट अवेलेबल थे जब इन्होंने अपना नियम दिया था वर्ल्ड सारणी का, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो तत्व थे, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, इस बात को आप समझ रखिए, ठीक है। और न्यूलैंड ने ही अष्टक का नियम दिया था, अष्टक का नियम दिया, ठीक है। तो अभी तक तो इतने क्वेश्चन मिले हैं, तो जल्द ही हम नई वीडियो लेके आएंगे जो और क्वेश्चन हमें मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।